त्रिस्तरीय और निकाय चुनाव को लेकर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने पूरे जिले में दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पन्ना कलेक्टर पवई पहुंचे और शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और तहसील कार्यालय में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करते हुए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस मौके पर एसडीएम के एस गौतम, तहसीलदार ज्योति राजपूत, सीएमओ यशवंत वर्मा और सीईओ प्रसन्न चक्रवर्ती आदि अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत के चुनाव और जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव के कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो आचार संहिता का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसका रिव्यू कर रहे हैं तथा नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं इनके नाम निर्देशन पत्रों का कार्य भी जारी है। दोनों चुनाव में स्ट्रांग रूम कहाँ बनेगा, मतगणना कहाँ होगी, मतदान सामग्री का वितरण कहाँ होगा और मतदान सामग्री वापस कहाँ से आएगी, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए समीक्षा के लिए आज मैं पवई में आया था। और स्ट्रांग रूम, जैसा आप लोगों को पता है, ये जो पंचायत चुनाव उनका स्ट्रांग रूम पवई पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनेगा और नगर परिषद का जो चुनाव होगा इसका स्ट्रांग रूम और मतगणना का यहाँ तहसील कार्यालय से किया जाएगा।